आजकल लोगों में वेजिटेरियन या वीगन बनने का क्रेज बहुत जोरों पर है और ये क्रेज हमारे बॉलीवुड स्टार्स पर भी छाया हुआ है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में जो वेजिटेरियन या वीगन हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिसे जानकर आप शॉक रह जाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 81 इयर्स के हो चुके हैं। इस उम्र में भी वो काफी फिट और हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका हेल्दी डाइट। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन वेजिटेरियन है और वो किसी भी टाइप का मीट कंज्यूम नहीं करते। अमिताभ बच्चन शुरुआत से ही वेजिटेरियन है और इसी वजह से पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया ने उन्हें 3 बार हॉट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी के तौर पर भी चुना है। मलाइका अरोड़ा। 50 साल की उम्र में मलाइका अपनी फिटनेस से कई यंग एक्टर को मात दे सकती हैं। 2-3 साल पहले ही मलाइका वीगन बन गई थी, यानी वो डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करती। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि इससे उन्हें फिट रहने में काफी मदद मिलती है। जॉन अब्राहम। बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर जॉन अब्राहम अपनी खतरनाक बॉडी के लिए जाने जाते हैं। ऐसी बॉडी बनाने के लिए वो अपने डाइट पर खासा ध्यान देते हैं। उनकी बॉडी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि जॉन ने ये बॉडी वेजिटेरियन खाना खाकर बनाई है। जी हाँ, जॉन भी शुद्ध शाकाहारी हैं। दरअसल जॉन अब्राहम एनिमल क्रूएल्टी के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। यही वजह है कि वो नॉनवेज को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते। आर माधवन। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आर माधवन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी आर माधवन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आर माधवन भी शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आज तक अंडे को हाथ तक नहीं लगाया है और वो नॉनवेज खाने से काफी दूर रहते हैं। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा दोनों साल 2019 में वेजिटेरियन बन गए थे। कपिल शर्मा के शो में भी उन्होंने बताया था कि पहले वो नॉनवेज खाना खाते थे, लेकिन अब वो वेजिटेरियन के साथ साथ वीगन भी बन चुके हैं। वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते और उनके बच्चे भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करते हैं। विद्युत जामवाल। विद्युत आज के सबसे फिट एक्टर्स में से एक है। विद्युत अपने खतरनाक स्टंट के साथ साथ अपनी बेहतरीन बॉडी के लिए भी जाने जाते हैं। विद्युत इंडियन मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू में भी माहिर है। बचपन में ही उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी और तभी से वो शुद्ध शाकाहारी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। विद्युत मानते हैं कि वेजिटेरियन लाइफस्टाइल की वजह से ही वो इतने फिट और एक्टिव रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें वो लोगों को वेजिटेरियन बनने के लिए मोटिवेट करते भी नजर आए हैं। भूमि पेडनेकर। दम लगा के हईशा के बाद तेजी से अपना वजन कम करने वाली भूमि साल 2020 में लॉकडाउन के टाइम वेजिटेरियन बन गई थी। इससे पहले भूमि नॉनवेज फूड कंज्यूम करती थी। आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अक्सर लोगों को अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से चौंकाते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं। आपको बता दें, आमिर खान नॉनवेज के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते। दरअसल उनकी वाइफ किरण राव ने उन्हें एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से नॉनवेज फूड लोगों के हेल्थ पर बुरा असर डालता है, जिसके बाद आमिर खान ने अपने बर्थडे पे ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। सोनम कपूर। सोनम कपूर भी वेजिटेरियन एक्टर्स के लिस्ट में आती हैं। वो भी नॉनवेज फूड से खासा दूरी बनाकर रखती हैं। उन्हें 2 बार पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर भी बॉलीवुड के फिट एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। शाहिद के बारे में कहा जाता है कि ब्रेन हाइंग्स की किताब लाइफ इज फेयर पढ़ने के बाद उन्होंने नॉनवेज खाना पूरी तरीके से छोड़ दिया था और अब शाहिद सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। किस एक्टर के बारे में जान के आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।